दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं अकाउंट ओपनिंग स्टेटस आप कैसे देख सकते हैं एचडीएफसी बैंक का। जैसा कि आपको पता होगा जितने भी सीएसवी वैलीज हैं उनको एचडीएफसी बैंक की तरफ से सीएसवी प्रोवाइड करवाया जा रहा है। तो यदि आप सीएसवी लेना चाहते हैं तो उसमें सबसे पहले आपको करंट अकाउंट ओपनिंग करवाना पड़ रहा है। तो अगर आपने करंट अकाउंट ओपनिंग करवा लिया है या नहीं भी करवाया है तो कैसे ओपन करवाना है, और अगर आपने ओपन करवाया तो उसका स्टेटस कैसे चेक करना है कि आपका अकाउंट ओपन हुआ है या नहीं हुआ है, उसी के बारे में हम बात करेंगे। तो बने इस वीडियो में लगातार, मैं हूं पवन जागलोर, आप देख रहे हैं अपना चैनल हेल्प इन हिंदी। और अगर आपने इसको सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक दोस्तों, प्लीज को रेड कलर के बटन पर क्लिक करके जरूर सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस करें जिससे मेरे लेटेस्ट अपडेट वीडियो आप लगातार देखते रहें। तो पूरा डिटेल जानने के लिए आ जाना आपको इस वेबसाइट पर जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। जैसे आप यहां पर आते हैं तो हाउ टू चेक एचडीएफसी बैंक करंट अकाउंट ओपनिंग स्टेटस, तो यहां पर पूरी डिटेल दी गई है। जैसा कि आपको पता है 3 लाख सीएससी सेंटर ऑल इंडिया में रन कर रहे हैं, उसके तहत और एचडीएफसी बैंक के तहत सीएससी और एचडीएफसी भी समझौता हुआ कि हर एक सेंटर में वो अपना एक बीसी प्वाइंट प्रोवाइड करवाएंगे। तो उसके लिए आपको बीसी प्वाइंट प्रोवाइड करने के लिए सबसे पहले करंट अकाउंट होना आवश्यक है। तो अब इसके बाद ये पढ़ सकते हैं आप हाउ टू ओपन करंट अकाउंट इन एचडीएफसी बैंक वेलीज। तो अगर आपने अभी तक एचडीएफसी बैंक में करंट अकाउंट ओपनिंग के लिए अप्लाई नहीं किया है तो कैसे अप्लाई करना है, उसके लिए मैं आपको बताऊंगा। क्योंकि यहाँ पर जीरो अमाउंट पर करंट अकाउंट ओपन कराया जा रहा है तो उसके लिए सबसे पहले आपको डिस्ट्रिक्ट मैनेजर से संपर्क करना होगा। जो सीएससी के डिस्ट्रिक्ट मैनेजर होते हैं उनसे बोलिएगा कि मुझे एचडीएफसी बैंक का करंट अकाउंट ओपनिंग कराना है। तो उसके लिए वो क्या, उनके पास एक एप्लीकेशन है, क्योंकि करंट अकाउंट ओपनिंग का फॉर्म केवल सीएससी डिस्ट्रिक्ट मैनेजर ही भर सकता है अगर आप सीएससी चलाते हैं, अगर उसके तहत आप अकाउंट ओपन करवा रहे हैं, क्योंकि जीरो अमाउंट पर अकाउंट आपका ओपन होगा। तो सबसे पहले आपको मिलना है अपने डिस्ट्रिक्ट मैनेजर से, तो वो आपके अकाउंट को ओपन करने का पूरा प्रोसेस बता देंगे। रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट फॉर एचडीएफसी बैंक करंट अकाउंट ओपनिंग, आपको कौन कौन से दस्तावेज या कागजात जरूरत पड़ेगा अगर आप एचडीएफसी बैंक में करंट अकाउंट ओपन करवाते हैं। तो अगर आप सीएससी वैली हैं तो आपको केवल आधार कार्ड और पैन कार्ड की आवश्यकता होगी और मोबाइल नंबर, ईमेल, ये 4 चीज़ों की आवश्यकता होगी अपना करंट अकाउंट ओपन करवाने के लिए। हाउ टू चेक एचडीएफसी बैंक अकाउंट स्टेटस, तो स्टेटस कैसे चेक करना है, उसके लिए आपने जब अप्लाई किया होगा तो एक मैसेज आया होगा, यू कैन ट्रैक योर एचडीएफसी बैंक अकाउंट ओपनिंग स्टेटस ऑन स्मार्ट अकाउंट ओपनिंग एप्लीकेशन। तो उसको आपको सबसे पहले डाउनलोड करना पड़ेगा। आपको क्या है, अगर आप स्टेटस चेक करना चाहते हैं तो एचडीएफसी का एक ऑफिशियल एप्लीकेशन है जिसका नाम है स्मार्ट अकाउंट ऐप, उसके थ्रू आप उसको डाउनलोड करके मोबाइल पर इंस्टॉल करके आप अपना अकाउंट का स्टेटस देख सकते हैं। तो यहाँ पर उसका लिंक दिया गया है, आप यहाँ पर देख सकते हैं हाउ टू डाउनलोड एचडीएफसी स्मार्ट अकाउंट ओपनिंग ऐप। तो सबसे पहले आपको डाउनलोड कर लेना है स्मार्ट अकाउंट ओपनिंग ऐप। तो जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक फाइल होगी, उसको आप डाउनलोड कर लें। इसके बाद वो .apk फाइल होगी, उसको अपने मोबाइल फ़ोन पर जाकर डालें और उसे इंस्टॉल करें तो आपके सामने एक एप्लीकेशन इंस्टॉल हो जाएगा। तो जैसे आप एप्लीकेशन इंस्टॉल करने के बाद उसको ओपन करेंगे तो आपको अपनी आईडी वहाँ पर प्रोवाइड करनी पड़ेगी, जो कि आप पहले से आपको जब अकाउंट ओपन करवाया था तो मिला था। तो चलो चलते हैं मोबाइल फ़ोन पर। मोबाइल फ़ोन पर चलने से पहले दोस्तों, जब आप इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करेंगे तो आपसे एक कोड मांगेगा, क्योंकि ये फाइल जो भी है वो एक प्रोटेक्टेड फाइल है। तो इसमें आपको कोड में जो लिखना है, सबसे पहले लिखना है कैपिटल में H, फिर लिखना D और इसके बाद FC, HDFC और जिसमें H रहेगा कैपिटल, फिर लिखना है स्मार्ट, सारी चीज़ें स्मॉल में है, स्मार्ट और 00। अगर आपसे कोड मांगे तो आपको लिखना है HDFC स्मार्ट 00। जैसे आप इंटर करेंगे आपके सामने एप्लीकेशन इंस्टॉल हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो कोड हो गया। अब इसके बाद चलो मोबाइल फ़ोन पर चलते हैं हम लोग, अपना स्टेटस चेक करना है। तो जैसे आप अपने मोबाइल फ़ोन पर आते हैं, देख सकते हो ये स्क्रीन है और मैं इसको बड़ा कर लेता हूँ। तो आप यहाँ पर देखिएगा, मैंने पहले से एप्लीकेशन ये इंस्टॉल कर रखा है, ये देखिएगा स्मार्ट अकाउंट। इस पर आप जैसे क्लिक करेंगे तो आपके सामने एप्लीकेशन ओपन हो जाएगा स्मार्ट अकाउंट का, एचडीएफसी बैंक का। इसके थ्रू दोस्तों आप ओपन एन अकाउंट एग्जिस्टिंग कस्टमर, देखिए ये ऑप्शन आ रहा है। तो हमें करना है ट्रैक एप्लीकेशन स्टेटस। तो जैसे आप ट्रैक एप्लीकेशन स्टेटस पर क्लिक करेंगे तो इसमें आपको मांगेगा ट्रैकिंग नंबर। तो आपका जो ट्रैकिंग नंबर था, जो आपने जब अकाउंट ओपन करवाया था उस समय जो ट्रैकिंग नंबर आपको मिला था, वो यहाँ पर आपको डालना है। तो चलो मैं अपना ट्रैकिंग नंबर यहाँ पर एंटर कर लेता हूँ।
तो देखिए, जैसे मेरा ट्रैकिंग नंबर मैंने जैसे एंटर करता हूँ, इसके बाद आपको प्रोसीड पर क्लिक कर देना है। तो जैसे आप प्रोसीड पर क्लिक करेंगे तो आपके ये ऑप्शन ओपन होकर आ जाते हैं। यहाँ पर सारे ग्रीन टिक हैं, इसका मतलब मेरा अकाउंट ओपन हो चुका है। पहला ऑप्शन एप्लीकेशन वेरिफिकेशन सक्सेसफुल हो चुका है, एप्लीकेशन रिसीव्ड बाय बैंक एंड एप्लीकेशन अंडर रिव्यू, एप्लीकेशन रिव्यू कम्प्लीटेड एंड अकाउंट एक्टिवेटेड। और मेरा अकाउंट दोस्तों ओपन हो चुका है, मेरे पास मैसेज भी आ चुका था, ईमेल भी आ चुका था। और यदि आप भीम एप्लीकेशन पर नया सर्च करते हैं ना, एक ऑप्शन होता है, अगर आपको नहीं पता मैं उसके लिए दूसरा वीडियो बनाऊंगा, लेकिन आप ऐसे अपना एप्लीकेशन ट्रैक कर सकते हैं। और देखिए मेरे सारे ऑप्शन 5 हैं वो ग्रीन हो चुके हैं, इसका मतलब मेरा अकाउंट लास्ट में एक्टिवेटेड दिखा रहा है, मेरा अकाउंट ओपन हो चुका है। मुझे अभी तक किट नहीं मिला है क्योंकि मुझे 8 दिन हुए हैं अप्रॉक्स एप्लीकेशन सपोज दैट ये अप्लाई किए हुए, ठीक है, अकाउंट ओपनिंग के लिए जो मैंने अपने डिस्ट्रिक्ट मैनेजर से अप्लाई करवाया था। तो मेरे 8 दिन के अंदर सारी चीज़ें कंप्लीट हो चुकी हैं, बट अभी तक किट आई नहीं है मेरे पास। एक किट आता है जिसमें आपका चेकबुक, एटीएम कार्ड, नेट बैंकिंग, ये सारी चीज़ें आती हैं, तो वो भी जल्द हमें रिसीव हो जाएगा। तो ऐसे आप बहुत ही आसानी से अपना एप्लीकेशन ट्रैक कर सकते हैं, अपना अकाउंट ओपनिंग का स्टेटस। अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपकी पूरी हेल्प करूंगा। और प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और इस वेबसाइट पर आकर आप इसको जरूर पूरा अकाउंट ओपनिंग का जो स्टेटस है उसे चेक कर सकते हैं। तो चलो, और आपसे गुजारिश करूंगा, अगर आप कोई भी घर का नक्शा बनवाना चाहते हैं तो आप एक इस वेबसाइट का नाम है smallhouseplan.com, इस पर आपको बहुत सारे घर के या प्लॉट के नक्शे मिल जाते हैं, मैप, जिसको देखकर आप बहुत ही आसानी से अपने घर को डिजाइन करवा सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें। अगले तब तक मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।